हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं हॉलीवुड की 10 नहीं बल्कि 12 ग्रेट मूवीज को जिन्हें आप यूट्यूब पे इजीली वॉच कर सकते हो। और इन सारी मूवीज के लिंक्स आपको हमेशा की तरह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वॉच करने को मिलेंगे। इस बेहद लाजवाब लिस्ट के अंदर आपको हर तरह के जॉनर की मूवीज मिलने वाली है, लाइक साइंस फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर और भी काफी सारे जॉनर की मूवीज होने वाली है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है ताकि आपको पता चले कि कौन सी मूवी कितने नंबर पर होने वाली है। और हाँ गाइज, हमेशा की तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं यही कहने वाला हूँ कि इन मूवीज को यूट्यूब पे अनऑफिशियली अपलोड करा जाता है, यानी कि इन सारी की सारी मूवीज का कोई भरोसा नहीं होता कि मूवीज कब तक रहेंगी यूट्यूब पे। तो अगर आप हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज डाउनलोड करके वॉच करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिलेंगे। और यार, अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज क्या कर रहे हो यार, लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है तो कर दिया करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। समझाओ कि बात तुम बेवकूफों के भेजे में घुस जाए। क्या बोला तुमने? क्या बोला फिर से बोल। ओ, तुम ऐसा कह नहीं सकते बच्चे, तुम्हें अंदर कर दे। बिल्कुल। नंबर 12 पे डेड डिटेक्टिव्स, ये मूवी आती 2018 में और इस मूवी को रेटिंग्स मिले 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो गाइस, ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है जिसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ दोस्तों की जो गोस्ट को पकड़ने का काम करते हैं। दरअसल ये भूतों को पकड़ने का काम करते हैं, लेकिन असल में ये लोगों के साथ मजाक कर रहे होते हैं क्योंकि ये कोई भी गोस्ट वगैरह नहीं पकड़ते, ये बस लोगों के सामने शो ऑफ कर रहे होते हैं। लेकिन गाइस, इस मूवी की कहानी तब पलट जाती है जब इन्हें मैक्सिको बुलाया जाता है और वहां पे इनका पाला रियल भूत से पड़ जाता है। तो आगे चल के इस कहानी के अंदर क्या कुछ होगा ये आप जानेंगे इस बेहतरीन मूवी के अंदर। Get your freak show out of here before इलेवन पे एक हॉरर फैंटेसी मूवी जिसका नाम है दी वुल्फ मैन। ये मूवी आई थी 2010 में और इस मूवी को रेटिंग्स मिले 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बेसिकली ये कहानी फोकस करती है लॉरेंस के ऊपर जिसके भाई की अचानक से मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने होम टाउन लौट आता है, वहाँ पहुंचने के बाद वो एक अलग ही मिस्ट्री में फंस जाता है। तो आखिरकार ये मिस्ट्री क्या होने वाली और आगे चल के इस कहानी के अंदर क्या कुछ होगा ये आप जानेंगे इस बेहतरीन मूवी के अंदर। नंबर 10 पे एक एक्शन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है बेवॉच, मूवी आती 2017 में और इस मूवी को रेटिंग्स मिले 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो इस कहानी के अंदर हमें दिखाया जाता है कुछ लाइफ गार्ड्स को जो समंदर के किनारे बीच पे कुछ लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, लेकिन इन लोगों का काम बिगड़ना तब स्टार्ट हो जाता है जब वहाँ पे एंट्री होती है विक्टोरिया की, क्योंकि विक्टोरिया इन लोगों के बिजनेस में पार्टनरशिप ले लेती है। इसके साथ साथ इनकी बैंड बजाना भी स्टार्ट कर देती है। बाकी इस कहानी के अंदर आगे चल के क्या कुछ एडवेंचरस और खतरनाक होगा ये तो आपको इस मूवी के अंदर ही वॉच करने को मिलेगा। कौन कहता कि लाइफ गार्ड्स मुजरिमों को पकड़ते हैं? कैसे समझाओ कि बात तुम बेवकूफों के भेजे में घुस जाए? क्या बोला तुमने? क्या बोला फिर से बोल। ओ, तुम ऐसा कह नहीं सकते बच्चे, तुम्हें अंदर कर दे। बिल्कुल। नंबर 9 पे एक फैमिली एडवेंचर मूवी जिसका नाम है बिग हीरो 6, ये मूवी आई थी 2014 में और इस मूवी को रेटिंग्स मिले 7.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो ये एक बेहतरीन एनिमेशन मूवी होने वाली है जिसके अंदर में कहानी दिखाई जाती है हीरो की, जिसके भाई की अचानक से एक फैक्ट्री के अंदर मौत हो जाती है, लेकिन असल में उसकी हादसे में मौत नहीं होती बल्कि किसी ने उसका मर्डर किया होता है। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हीरो निकल जाता है। बाकी आगे चल के इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि हीरो अपने भाई की मौत की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाता है कि नहीं, ये आप जानोगे इस बेहतरीन मूवी के अंदर। You gave me a heart attack. Clear. Stop. It's just an expression. What do you say, buddy? नंबर 8 पे मॉन्स्टर हंट, ये मूवी आई थी 2015 में और इस मूवी को रेटिंग्स मिले 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो गाइस, ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी होने वाली है जिसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है इंसानों और मॉन्स्टर्स की जिनके बीच बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन ये कहानी उस वक्त पलट जाती है जब एक लड़की और लड़के को एक मॉन्स्टर उन्हें अपना एक अंडा दे देता है और उसमें से एक छोटा सा क्यूट सा मॉन्स्टर बाहर आता है जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज या फिर कह सकते हैं कि शक्तियां होती हैं और वही छोटा सा क्यूट सा मॉन्स्टर इस वॉर को खत्म कर सकता है। बाकी इस सीरीज के अंदर अभी तक टोटल 2 मूवीज बन चुकी है। इस वीडियो के अंदर आपको पार्ट 1 का ही लिंक मिलने वाला है क्योंकि इसका पार्ट 2 YouTube पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है। मरने को तैयार हो जाओ। 7 पे एक एक्शन फैंटेसी मूवी जिसका नाम है दी ग्रेट वॉल, ये मूवी आई थी 2016 में और इस मूवी को IMDb ने 5.9 की रेटिंग दी है। तो ये एक बेहतरीन एक्शन वॉर मूवी होने वाली है
जिसके अंदर हमें दिखाए जाते हैं खतरनाक क्रिएचर जिन्हें किसी भी तरह इंसानों को रोकना होगा वरना वो इंसानियत को मिटा देंगे। बाकी ये कहानी फोकस करती है विलियम और उसके फ्रेंड के ऊपर जो चले जाते हैं ऐसे किंगडम जहाँ पे अटैक करने वाले होते हैं कुछ खतरनाक मॉन्स्टर या फिर कह सकते हैं कि क्रिएचर। और उस प्राचीन किंगडम के अंदर एक ग्रेट वॉल होती है जो हाइट में काफी बड़ी होती है और उसी ग्रेट वॉल को तोड़ के वो मॉन्स्टर उस किंगडम के अंदर अटैक करना चाहते हैं। अब देखना ये क्या विलियम उन लोगों की हेल्प कर पाता है कि नहीं, या फिर यूं कहे कि वो लोग इन मॉन्स्टर को रोक पाते हैं कि नहीं, ये आप जानेंगे इस बेहतरीन मूवी के अंदर। नंबर 6 पे ड्रामा क्राइम मूवी जिसका नाम है जोकर, ये मूवी आई थी 2019 में और इस कमाल की मूवी को रेटिंग्स मिले 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो ये कहानी फोकस है आर्थर के ऊपर जिसे असने की बीमारी होती है, वो जहाँ कहीं भी जाता है उसे लोग जज करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि आर्थर की हर कोई बैंड बजा के चला जाता है क्योंकि ये दुनिया समाज आर्थर को बहुत ज्यादा दुख देता है, इसलिए वो कन्वर्ट हो जाता है जोकर के अंदर और वो उन सबकी बैंड बजाना स्टार्ट कर देता है। बाकी ये मूवी बेहतरीन और नेक्स्ट लेवल होने वाली है तो आपने इस फिल्म को जरूर वॉच करना है। नंबर 5 पे एक एक्शन सुपर हीरो मूवी जिसका नाम है हार्ली क्वीन बर्ड्स ऑफ प्रे, मूवी आई थी 2020 में और इस मूवी को रेटिंग्स मिला 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हार्ली क्वीन को जिसका जोकर के साथ ब्रेकअप हो जाता है और हार्ली क्वीन ने जोकर के साथ रहते हुए काफी दुश्मन बना लिए थे या फिर कह सकते हैं कि माफिया से पंगा ले लिया था, इसलिए वो उसके पीछे पड़ चुके हैं क्योंकि जोकर अब उसे बचाने वाला नहीं है। तो अब इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि हार्ली क्वीन अपने आप को उन माफिया से कैसे बचाएगी, ये सब वॉच करना, नेक्स्ट लेवल होने वाला है। कोई कंप्लेन? हाँ बिल्कुल सही समझे, एक भयंकर हमले की रिपोर्ट करनी है। और कहाँ हुआ है ये भयंकर हमला? यहाँ पर। नंबर 4 पे एक एक्शन एडवेंचर बेस्ड मूवी जिसका नाम है किंग कॉन्ग, मूवी है 2005 में और इस मूवी को IMDb ने 7.2 की रेटिंग दी है। तो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो स्कल आइलैंड पे या फिर कह सकते हैं कि खोपड़ी आइलैंड पे फिल्म की शूटिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन गाइज उनकी बैंड बजना तब स्टार्ट हो जाती है जब वहां पे एंट्री होती है किंग कॉन्ग की। उस फिल्म की कास्ट में से काफी सारे लोगों को किंग कॉन्ग मार देते हैं, इसलिए वो लोग किंग कॉन्ग को पकड़ के न्यूयॉर्क सिटी में ले आते हैं जहाँ पे वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए किंग कॉन्ग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे किंग कॉन्ग आउट कंट्रोल हो जाता है और पूरे न्यूयॉर्क सिटी को तहस नहस कर देता है। बाकी ये मूवी बेहतरीन होने वाली है जो आप लोगों ने जरूर वॉच करनी है। थ्री वे फैमिली एडवेंचर मूवी जिसका नाम है कोको, ये मूवी आई थी 2017 में और इस बेहतरीन मूवी को IMDb ने 8.4 की रेटिंग दी है। तो बेसिकली ये कहानी फोकस है मिगेल के ऊपर जिसे सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी फैमिली में बिल्कुल भी इस चीज को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मिगेल बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है और वो अपने दादाजी की एक दिन कब्र पे बैठा होता है। उसके बाद वो अचानक से मरे हुए लोगों की दुनिया में पहुंच जाता है जहां पे चीजें नेक्स्ट लेवल होती हैं। आखिरकार मिगेल उस दुनिया में कैसे पहुंचा और इसके पीछे मिस्ट्री क्या होने वाली है आप जानोगे इस बेहतरीन मूवी के अंदर। I am terribly allergic. But Dante doesn't have any hair. And I don't have a nose. And yet, here we are. नंबर 2 पे एक एक्शन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है रेड नोटिस, ये मूवी आई थी 2021 में और इस मूवी को रेटिंग्स मिले 6.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। इस मूवी को मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूँ तो दोबारा से काफी सारे व्यूअर्स की डिमांड आ रही थी तो इसलिए मैंने इस मूवी को इस लिस्ट के अंदर एड कर दिया। तो अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ। चोर पर भरोसा भारी पड़ सकता है। सो फाइनली गाइस नंबर 1 पे फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर, ये मूवी आई थी 2022 में और इस मूवी को रेटिंग्स मिले 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो ये मूवी मार्केट में नई आई है इसलिए ये आपको YouTube पे नहीं देखने को मिलेगी, तो अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख सकते हो।